ये जो, हाँ जाए जाए जाए, जो दो तीन छात्र हमारे जा रहे हैं धीरे 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 घर को जाएं, घर को जाने वाले एक रात में ही दो दो आनंद उठाने वाले। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यूं गलत नहीं होने का, एक लाभ कविता सुनने का, एक लाभ सोने का, आप गलत समझ लेते हैं। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक बहुत प्यारा शहर है धार, जहां के दो लोग बड़े प्रसिद्ध हुए, एक राजा भोज और एक गंगू तेली। राजा भोज नहीं रहे, संदीप शर्मा आपके बीच में है। आप पहली बार में उसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे मंदबुद्धि विद्यालय से भागा हुआ बालक, लेकिन जब बात करेगा तो बड़ी संजीदा करेगा, बड़ी अच्छी करेगा। आपने पहले जो कवि सुने, शशिकांत को सुनने में आपने बहुत बुद्धि लगाई, आपको उसकी बात समझनी पड़ी, जिसका मुझे काफी दुख है। अब मैं एक ऐसा कवि बुला रहा हूं जिसको समझने में आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि उसने लिखते में नहीं लगाई, तो आप सुनते में क्यों लगाएंगे। मुझे पता नहीं वो पहले आया है या नहीं आया है, पहले भी नहीं आया। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इससे बचे रहे, पर आज आप इसकी चपेट में आए, यहां से आपका दुर्भाग्य प्रारंभ होता है। एक ऐसा कवि जिसे सुनने में अकल मत लगाना, पूरा मजा आएगा। आप सुबह घरवाली को जाके कहोगे जी एक धार से छोरा आया था, मजा बहुत दिया। वो पूछेगी क्या सुनाया, बोले ये हमें भी नहीं पता क्या सुनाया, पर मजा पूरा दिया। तो वो एक ऐसी चीज है जो समझ में कम आएगी लेकिन मजा बहुत देगी। वो एक ऐसा बैट्समैन है जो गीले पिच पर भी 40-50 रन बना ही लेता है, चाहे उसमें बॉलर को दौड़वाना पड़े। तो संदीप शर्मा यहां पर है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इस आकृति का स्वागत करिएगा। आ जा बेटा, आ जा, बहुत अच्छा, आ जा। कुर्ता तो आज फेरों का निकाल लिया, काय का फेरों का, अच्छा फेरों का, बहुत अच्छा। इधर करो थोड़ा, ये माइक को हटाना, इसके सामने करना, ये सब करना चाहिए, इससे इम्प्रेशन बनता है कि अब कोई ढंग का आदमी खड़ा हुआ है। भैया अपना ही कार्यक्रम, चुप हो जाओ तो बहुत, मतलब घर पे बोल लेना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ तक हुआ है। बलवंत बल्लू ने सच में इस कवि सम्मेलन को नया जीवन दिया, नई ऊर्जा दी है। बहुत तालियां आप लोगों से बजवाई, बहुत हंसाया आप लोगों को। मेरे सारे तमाम बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरे बारे में कहा गया कि मैं मानसिक आरोग्यशाला से भागा हुआ हूँ, बहुत सारे शाकाहारी प्रहार मुझ पे किए गए। आरोग्यशाला से भागे हुए लोग ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दिमाग वाले क्या कर रहे हैं ये तो सब देख ही रहे हैं। बहुत अच्छा है। एक वो था, वो बोले गियर बदलता हूं, गियर बदलता हूं, बहुत गियर बदले। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सीलेटर पे से पांव ही नहीं हटाऊं, क्योंकि मेरा तो जन्म ही 2020 मैच के दौरान हुआ है। मैं धां धुई करने के लिए प्रसिद्ध हूं, हाँ वो भी धोनी की बैटिंग के दौरान। दादा बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सारी बातें मेरे बारे में कर दी गई हैं। मैं इसने कहा बहुत कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, बहुत कॉन्फिडेंस का। ये खींचो खींचो, खींचो डॉक्टर साहब, ये वाला दशहरे पे काम में आएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ओरिजिनल, बहुत कॉन्फिडेंस होना, मतलब एक्चुअल में भगवान फोटोग्राफर का काम उसी को सौंपता है जिसको बचपन से दूसरे के घर में झांकने की आदत रहती है। ये वही है, उनको मिल गया काम, कॉन्फिडेंस। मेरे बारे में कहा शशिकांत ने कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूं कि पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। एक बात भाई बताना भूल गया कि मैं खड़ा हूं और जो श्रोता ताली नहीं बजाए उनके कर दिया करता हूं, जो डरपोक थे सबने बजा दी। मस्ती के मूड में रहो, टेंशन नहीं लेना। वो पाकिस्तान का टेंशन वाला भाई ना, वो SMS कर रहा है डायरेक्ट जरदारी को, वहां पाकिस्तान का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन। अरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। वो ब्राह्मण का बेटा हूं, वाकई बहुत कॉन्फिडेंस में रहता हूं, नौकरी लग गई मुर्गी खाने में,
अनामिका जैन है, इसको अच्छा नहीं लगेगा कि अंडे की जगह पे मेरी नौकरी लगी। मुर्गी खाने में ब्राह्मण आदमी की नौकरी, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। बहुत अच्छे। सुना, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। मुर्गी से बात मत कर। मुर्गे को कितना टेंशन हो गया। बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर साहब, आपने बताई। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अनामिका हमारे घर की बहू है, और मेरे को दो सूचनाएं एक साथ फिर मतलब दिमाग में आ गई। जैसे ही इन्हें कहा कि हमारे घर की बहू है, मेरे को समझ में आ गया कि समाचार पत्रों में ये क्यों आता रहता है कि महिलाएं घरेलू हिंसा से परेशान है। मुर्गियों ने अंडे देना बंद, मालिक ने बुलाया, बोला संदीप आओ। मुर्गियों ने अंडे मीटिंग, मुर्गियों ने अंडे देना बंद किया, बोला संदीप बैठो, ये मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, तुम्हारी नौकरी लगी। मैंने मीटिंग बुलाई सब मुर्गियों की, कॉन्फिडेंस। मैंने कहा सब मुर्गियों कल से दो दो अंडे देना, दो दो। अगले दिन देखा तो हर मुर्गी के नीचे दो अंडे, हर मुर्गी के नीचे दो, एक के नीचे एक। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे मुर्गी, सबको कहा था कल दो दो अंडे देना, तेरे नीचे एक कैसे? बोले संदीप जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। कॉन्फिडेंस सही हो तो मुर्गे भी अंडे देते हैं। दे दिया, कोई टेंशन नहीं होता है। कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का इसका उसका कोई तनाव नहीं है। मैं ढंग से अपनी लुगाई का तनाव पालता हूं, बस हैं करने की जरूरत नहीं है। लुगाई का तनाव नहीं पालो तो लुगाई पड़ोसी के पालने लगती है। तनाव हे लगता नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार, कोई टेंशन। वो ब्राह्मण आदमी कैसे कॉन्फिडेंस आता हूं अच्छी कविताओं तक, और इस मंच को, इस बैनर को पूरा सार्थक करके जाऊंगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं आदरणीय प्रकाश जी माली और आदरणीय शांतिलाल जी, आदरणीय गणपत जी जैसे लोगों के आमंत्रण पे आया हूं, तो सिर्फ बकवास ही नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान का तनाव पाल रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के लिए कोई गाली नहीं, कोई कविता नहीं लिखी, सिर्फ एक गाली लिखी, एक गाली। और एक गाली देता हूं राष्ट्रभक्तों के बीच। ये भगवा आभा में कवि सम्मेलन हो रहा है, मुझे बताना कि मैं राष्ट्रभक्तों के बीच खड़ा हूं, जिनके दिल में भारत माता धड़कती है। देश के राजकुमार कवि वीर रस के शशिकांत उनके बाद आया हूं, और देश के राजा कवि हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह वीर रस के सर्वाधिक संप्रेषणीय कवि वेदव्रत जी के पहले खड़ा हूं। एक गाली देने की हिम्मत करता हूं। एक शुभकामना, मैंने कोई कविता नहीं लिखी पाकिस्तान के लिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि 2 कोड़ी के देश पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है। बात एक शुभकामना संदेश के जवाब ने बना दिया हमको घनचक्कर। एक शुभकामना संदेश के जवाब ने बना दिया हमको घनचक्कर। हमारे समझ में नहीं आ रहा इसको करेला समझें के शक्कर। हमने एक नए नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयां दी, उसने हमसे कहा कि आपको भी। किसी के कल समझ में आएगी, आराम से हंसना। उसने हमसे कहा कि आपको भी, अंग्रेजी में कहें तो सेम टू यू। देख नहीं रहे जच्चा खाने के बाहर लगा हुआ है क्यू। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे सब इस बच्चे के बाप हैं। ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। अफगान, एक गाली देने की हिम्मत करता हूं, और आगे से लेके पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही, खड़े हुए लोग, बैठे हुए लोग, सामने बैठे हुए, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, जिसके यहां भारत माता हो, राष्ट्रभक्ति हो, अगर इस भाषा में बात करने का समय आ गया हो तो बताना, और दोनों हाथ उठा के ऐसी तालियां देना 3 मिनट तक जैसे किसी खिलाड़ी का शतक लगाओ। सिर्फ राष्ट्रभक्तों के हाथ आसमान में उठें, बाकी ना उठें, तब कहता हूं आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं। बनाना इस कवि सम्मेलन को, लगे कि कवि सम्मेलन कुमार विश्वास के संचालन में हो रहा है, देश के सबसे बड़े लोकप्रिय कवि के संचालन में। बताना, तब कहता हूं आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं। ये जितने लाइन में लगे सब इस बच्चे के बाप हैं। अफगान, एक भी हाथ नीचे ना रहे, आसमान में धड़धड़ा देना। अफगान, चीन, अमेरिका, कई निगहबान है, 17 बाप की औलाद का नाम पाकिस्तान है। सत्रह बाप की औलाद का नाम पाकिस्तान है, क्योंकि भारत सिर्फ बकवास नहीं कर सकता। मित्र कहते हैं, मेरा आदरणीय हास्यरस के बहुत बड़े कवि सुरेंद्र जी यादवेन, कि संदीप तू गाली देता है, लगती भारत माता को अपना बेटा है। मैंने कहा हो नहीं सकता, डीएनए टेस्ट करा लो। बहुत अच्छा। तर्क देता हूं तब कहता हूं, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता खो नहीं सकता, और इतना कमीना देश
भारत माता का बेटा। कोई टेंशन नहीं पाकिस्तान का, सिर्फ इतना सा टेंशन है हमारे में क्या नहीं है। देखो तुम तो हमारे से ज्यादा समझने लग गए, कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए ब्राह्मण के पास, और कुछ हो ना हो, अकल ना हो, कॉन्फिडेंस रहता। वो सत्यनारायण की कथा डॉक्टर साहब, वो आ गया किसान, मैंने कहा कहाँ, 11:30-12 बजे, बोले खेत पे पानी निकला है, कुआं खोदा पानी निकला, वहां कथा करना है। मेरे को अक्ल वक्ल कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस। बैठ गया उसकी बाइक पे, बाप दादों की पुरानी पोथी लेके बाइक पे बैठा, मोटरसाइकिल पे गया खेत में, खेत में कथा आरंभ करी। एक दो हवा चली, पन्ने वन्ने उड़ गए, कथा समाप्त, कथा समाप्त। किसान खड़ा हो गया, बोला पंडित जी कथा समाप्त। मैंने कहा कथा समाप्त। अब जवाब ब्राह्मण का हो तो पीछे तक क्या हूँ तालियां देना। उसने कहा कथा समाप्त। मैंने कहा पंडित जी कथा समाप्त। बोले ये ऐसी कैसी कथा करी, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती हैं यहाँ। बहुत अच्छे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई टेंशन नहीं पाकिस्तान वाकिस्तान का, असली टेंशन है हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी। गलत जगह गलत एप्लीकेशन फंसा देते हैं, गलत जगह गलत एप्लीकेशन। वो एक व्यक्ति था, बड़ी तपस्या की भगवान की, भगवान साक्षात परमेश्वर परमपिता परमेश्वर गणपति प्रकट धूम धूम है क्या भाभी जी, सीरियल में ऐसे ही प्रकट होते हैं, आके खड़े हो गए भगवान। मांग वश्य क्या मांगता है, बोले प्रभु एक हुंडई सिटी कार ला दो। गणपति ने एक झापड़ दी, बोले कार होती तो मैं चूहे पे घूमता। गलत जगह गलत एप्लीकेशन। बड़ी तपस्या की भगवान राम, मजा आ जाए तो मस्ती पहुंचाना, एक अच्छी कविता तक ले जाने के लिए सारी मशक्कत कर रहा हूं। भगवान राम प्रकट, बोले मांग वश्य क्या मांगता है, सामने आ गए प्रभु ढूंढ। मांग वश्य क्या मांगता है, बोले प्रभु मेरी बीवी गुम गई, ढूंढ के ला दो। रामचंद्र जी ने एक लात दी तो हनुमान जी के चरणों में जाके गिरा, बोले इनसे मांग मेरी घूमी थी तो ये ढूंढ के लाए। गलत जगह गलत। वो बाबा आ गया एक सिंहस्थ में कुंभ में, नागा बाबा, बोले बाबा, नागा बाबा सामने, वो पीछे लोग उसके, बाबा धन दे दो, बाबा दौलत, बाबा कपड़े, बाबा मेरी फैक्ट्री चल जाए, बाबा मेरे नागा बाबा, बाबा मेरे मेरे बच्चे पल जाए, बाबा मेरे बच्चे पड़ जाए, शादी हो जाए, बाबा धन, बाबा दौलत, बाबा पलटा, मैं कोई नागा बाबा फावा हुआ नहीं हूं, मैं तो खुद सिंहस्थ में नहाने के लिए आया था, कोई मेरे कपड़े चुरा के ले गया है। बहुत अच्छे, ये टेंशन है। बहुत अच्छे, मांगने की अक्ल नहीं है और मांग लेते हैं। कविता से जुड़ी, मांगने की अक्ल नहीं है और मांग लेते हैं। हम बेडरूम में ही हनुमान जी की फोटो टांग लेते हैं। दुश्मन से मत बातें प्यारी प्यारी मांगो, दुश्मन से मत बातें प्यारी प्यारी मांगो, पाकिस्तान से 20 आतंकवादी नहीं, अकेला जरदारी मांगो। बहुत अच्छे संदीप, बहुत अच्छे। राजस्थान पुलिस के हवाले कर देना, खुद ही खुद के खिलाफ सबूत देगा, लालू के भैंस के तवेले में बांध देना, रोज 20 लीटर दूध देगा। बहुत अच्छे। इसे खिलाने के लिए भूसा किलो से नहीं टन से लाना, इसके साथ बांधने के लिए भैंसा वाशिंगटन से लाना। नव वर्ष की वर्ष प्रतिपदा मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जितनी जल्दी और जितनी जोर से तालियां बजेंगी, दुआओं में हाथ उठा के तालियां बजाना, उतनी जल्दी यह दिन आएगा तब कहता हूं, और वो दिन आए इसलिए गड़गड़ा देना, पता ना कि मैं राष्ट्रभक्तों के बीच हूं। इसे खिलाने के लिए भूसा किलो से नहीं टन से लाना, इसके साथ बांधने के लिए भैंसा वाशिंगटन से लाना, और उस वाशिंगटनी भैंसे को भी समझा दो कि तेरी इस लवर लाहौरी भैंस को भी समझाना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ओबामा और जरदारी दोनों को तिरंगे झंडे के नीचे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, पर नहीं गा रहे। असली टेंशन कोई पाकिस्तान का नहीं है, असली टेंशन फंसा अमेरिका का। और अमेरिका का क्या टेंशन है कि महाराज गुरुजी कांदा खाए, गणपत जी कांदा प्याज को ही कहते हैं ना, हाँ नहीं तो यहाँ और कुछ कहते हो, रसगुल्ले को तो नया टेंशन खड़ा हो जाए। महाराज गुरुजी कांदा खाए, महाराज से कहे तू मत खाए, हम खावा तो जम्स मरी जाए, तू खाए तो बदबू आए, ये टेंशन फंसा हुआ है। वो हम पे प्रतिबंध लगाता है, 1-2-3 साइन करवाता है। दोस्तों डॉक्टर कुमार विश्वास इस समय देश की उस नियामक स्थिति में है जहां से 3-4 लोग इस देश का भविष्य तय करने के की कगार पे, उसके मुहाने पे आ गए हैं। इनकी उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं,
हो ना हो कल ये बहुत बड़े पद पे या कहीं बहुत पद पे भी ना रहें तो ऐसी शक्ति में रहें जहां से देश और देश की स्थिति बदल सकते हो। ये मेरे दिल की दुआ इनके लिए है, आप भी एक बार इसके लिए तालियां बजा दो। ये दिन आए तब ये कहें मेरी बात, मैं दावे से इनके सामने कहता हूं, बहुत हिम्मत से कहता हूं कैमरे के सामने, इस देश का सर्वाधिक गोपनीय दस्तावेज देश का बजट जब अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में 7 दिन पहले छप जाता है तब शर्म से कविता लिखने का मन होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ढूंढा गया देश, वो इतना पिछड़ा हुआ देश था दोस्तों लोग बाग, जब हमारे यहाँ भारत माता ये इतना स्वर्णिम चित्र इतना सुंदर आपने लगाया, ये जब भारत माता सोने की चिड़िया कहलाती थी उस समय वहां जंगली कल्चर था, आदिवासी संस्कृति, जो इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं, लोग बाग पेड़ पौधों के पत्ते बांध के घूमते थे अमेरिका में, और वो पत्ते भी यदि बकरा बकरी खा जाएं तो ऐसे ही घूमना पड़ता था। वो देश प्रतिबंध लगा था तो मेरे बेटे ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। भोजन का निमंत्रण होगा मेरे लिए और क्या है। प्रकाश जी कह रहे हैं तवलची की कमी है, इसे भेज सकते हो क्या? उन्हें कहा कि वो साहब इतना क्या था, प्रतिबंध लगाओ, इतना पिछड़ा हुआ देश था, एक मंदिर का खजाना, इस बैनर की लाज रखना, अगर सच कहूं तो तालियां बजाना जो इस बैनर से प्रभावित होकर यहां पे हैं, एक मंदिर सोमनाथ का, उसका खजाना जब लूटा गया एक विधर्मी शासक द्वारा 800 ऊंटों की कतारों पे खजाना ले जाया गया, दोस्तों इस भारत माता की समृद्धि के लिए गड़गड़ा देना तालियां, ऊंटों की कतारें खत्म हो गई लेकिन एक मंदिर का खजाना खत्म नहीं हुआ। वाह क्या बात है। इतने समृद्ध हो तो मेरे बेटे ने बताया तो पता चला साला देश ढूंढा हुआ है। वो मेरे बेटे ने पूछ लिया मेरे से, बोले पापा बताओ बेटे में ज्यादा अकल होती है कि बाप में? मैंने बोला बेटा बाप में। बोले पक्का? मैंने बोला पक्का। मैंने बोला कॉन्फिडेंस? मैंने कहा बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बाप में ज्यादा अकल होती है। तो फिर पापा बताओ अमेरिका की खोज किसने की? मैंने कहा कोलंबस ने। तो फिर बोले उसके बाप ने क्यों नहीं की? तेरा ही है। तब पता चला कि साला ढूंढा गया देश है। अच्छा। एक कविता सुनाता हूँ और फिर जिस कविता के लिए इतनी दूर तक आया हूं वो सुना के अपनी यही लीला समाप्त करूंगा। अग्नि मिसाइल परमाणु बम इस भगवा आभा में, और जब ये शिवाजी ग्रुप हो तब 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 कविता जो सुनाना चाहिए वहां तक लाता हूं। अग्नि मिसाइल परमाणु बम भारत में रहे किसी से कम, एक कदम और आगे बढ़ाओ बम फोड़ सके ऐसे लोग भी लाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कदम और आगे बढ़ाओ बम फोड़ सके ऐसे लोग भी लाओ, अमरीका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो, ओबामा अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम, बिल्कुल बिना अकल की बात करी, फोड़ दो। ऐसे कैसे फोड़ दो? भारत यही मार खाता है। भाभी जी की भी आवाज आई, फोड़ दो। क्यों फोड़ो भाभी? दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं उठे और फोड़ दो। अगर सही 60 दिमाग लगाया हो तो जोरदार तालियां देना, मुझे लगे कि मैं बुद्धिजीवियों के बीच खड़ा हूं। अमेरिका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो, ओबामा अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम अलकायदा को बेच दो। जोरदार सब बजाओ, सब बजाओ, अब नहीं चलाएगा, बहुत देर से चुप होगा। अलकायदा को बेच, इसमें टेक्निक है, दिमाग। भाभी ने तो कह दिया फड़ दो। देखो भाभी टेक्निक देखो आप, इसमें क्या टेक्निक है। बहुत अच्छे। अलकायदा के पास बम नहीं है, हमारे नेताओं के पास दम नहीं है। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। अपन उसको बम दो, वो उठा के, उसके पास पैसा बहुत अपने को देगा, गरीबी दूर, वो उठा के अमेरिका पे फेंक देगा, अपन फोकट में ही विश्व गुरु भारत। विश्व गुरु बनना है तो इतने बाईपास जाने की क्या जरूरत है? अपना परमाणु बम अलकायदा को बेच दो, अलकायदा बम लेके दौड़ेगा तो बुश तो क्या क्लिंटन से भी भागते नहीं बनेगा, मोनिका लेवनेस्की के साथ उसका अगला हनीमून भी बालोत्रा के बस स्टैंड पे ही मनेगा। प्रतिबंधों से डरना क्या है? बहुत अच्छे संदीप बा, क्या जगह ढूंढी है। ये मजे में इस चक्कर में कि आज ही आ जाएगी वो। प्रतिबंधों से, वो भी अपने घर की बहन बेटी है, इंडिया की है। हाँ, इतनी देर में कहीं तो बस स्टैंड पहुंच गए,
और वो एयरपोर्ट पे प्रतिबंधों से डरना क्या है, कविता की स्पिन बॉलिंग देखना, स्पिन बॉलिंग पहुंचना, प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है, सिर्फ वो लोग तालियां देना जो समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पढ़ते हो, जिनके दिल की बात हो यहां से उठी हो, सिर्फ वो के प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है, अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा, अगर असम से चाय बंद कर दी संभालना राष्ट्रभक्ति की बात को इस झंडे के तले, प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है, अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा, अगर असम से चाय बंद कर दी चाय पी नहीं सकेगा, भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमरीकी भाइयों को भी बहुत प्यारे हैं, अरे अमरीका तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स तो हमारे हैं। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे संदीप, वाह। किस बात से इतना ऊंचा अमरीका का सर है कि अमरीकी राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टरों की टीम में 17 भारतीय डॉक्टर हैं। अमरीका तेरा मिजाज कैसा है जरा गिन तो सही, तेरी अर्थव्यवस्था में कितना भारतीय पैसा है, तेरे उद्योगपति सिर्फ इस बात से जीते हैं कि भारत माँ के लाल, माँ का दूध नहीं तेरा दिया हुआ पेप्सी कोला और कोको कोला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हम भी देशभक्ति की तिजोरी खोलेंगे सब मिलकर, पूरा सदन, पूरे पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास से इस मंच के तले सब मिलकर जोर से भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता की। ये एकदम राजस्थान जैसी नहीं हुई जिसकी परिभाषा इन्होंने बताई, एकदम वहां सीमा पार आवाज जाए दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्कूल की प्रेयर खत्म, कविता फिर चालू। आपको लगा कि प्रेयर ही करवाएगा आप पूरा सदन, अगर मुझसे एक कविता मैंने इस भगवा आतंकवाद जो इसने कहा उस विषय पर लिखी है अगर सुनना चाहते हैं तो मुझे तालियां बजा के बताएं, वरना मेरा काम पूरी तरह हो चुका है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैं भी चाहता हूं कि संदीप उस कविता को सुनाए। दोस्तों पिछले 2 साल से हिंदुस्तान जो जागरण की बेला में है, हमारी पूरी राजनीति इस प्रयास में लगी हुई है कि हम हिंदू और मुसलमान हो जाएं। यहां अगर हमारे इस्लाम मानने वाले दोस्त बैठे हो तो जरा हाथ उठा के बताएं कि 6 महीने पहले कौन ओवैसी को जानता था। यहां हिंदुत्व की अवधारणा वाले लोग बताएं कि क्या मुझे मेरे धर्मशास्त्र की परिभाषा के लिए किसी तोगड़िया का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। जिस देश के गृहमंत्री को आतंकवाद में भी भगवा और हरा रंग सुनाई देता हो, वहां एक अच्छी कविता इस समय भाई संदीप ने लिख दी है। मैं कुछ भी बोलने से पहले आजकल इसलिए सोचता हूं कि ये सब रिकॉर्ड होता है, आपके अलावा आईबी भी रिकॉर्ड कर रही होगी कि कुमार विश्वास गया है तो रात उसने क्या बोला और उस पर कल क्या खबर चल सकती है। लेकिन मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलता हूं कि सनातन परंपरा के ऊपर जो आदि शंकराचार्य से शुरू हुई है, केरल से चले हुए उस तपस्वी से शुरू हुई है, जो जाकर कहीं काशी में अपने आप को शंकर से आत्म साक्षात्कार से जोड़ता है, अगर उसकी समझ सुशील कुमार शिंदे को नहीं है तो उनका मौन रह जाना अच्छा होता, बशर्ते कि उनकी इस मूर्खतापूर्ण बयान के जो उन्होंने दिया। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर संदीप से अनुरोध करे कि संदीप वो कविता सुनाए। दोस्तों मैं मेरी पूजा की, मेरी अर्चना की, मेरी प्रार्थना की कविता यहाँ सुनाना चाहता हूँ। मंच में भी बड़े लोग हैं, यूनिवर्सिटियां बैठी कविता की जांचें। एक बड़ा बदतमीज शब्द दिया दिल्ली की राजनीति ने, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी। हम हिंदू नववर्ष मनाने के लिए खड़े हैं। मैं ऐसे लोगों के आमंत्रण पे हूं जो इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जिनको इस देश के अतीत से ऊर्जा मिलती है। तब एक कविता सुनाता हूं, भगवा आतंकवाद, कह दिया बदतमीज नेता ने, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि सुशील कुमार शिंदे ने कहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, नाम ले ला, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, ये भगवा आतंकवाद, ये बच्चा आतंकवाद मचा रहा है, बैठ जा। शिंदे के नाम पे उसे याद आया कि चलो मैं टॉयलेट कर आता। भगवा आतंकवाद, मैं कहा कि हिंदू धर्म कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये भगवा कभी आतंकी नहीं हो सकता। सुनना कैसे, इस अगर हम भगवा को आतंकवादी कहेंगे हमें विवेकानंद के इस परिधान को आतंकवादी कहना पड़ेगा। अगर हम भगवा को आतंकवादी कहेंगे, सूर्य की पहली किरण जो सुबह उठती निकलती है, भगवा किरण जिससे पूरा विश्व ऊर्जा पाता है, पूरा विश्व शक्ति पाता है, सूर्य की उस पहली किरण को आतंकवादी कहना पड़ेगा। और तालियां कम है, बताएं महाराणा प्रताप के बेटे, अगर हम भगवा को आतंकवादी कहेंगे तो हमें महाराणा प्रताप के उस भगवा ध्वज को आतंकवादी कहना पड़ेगा जिसके नीचे खड़े होकर पूरा राष्ट्र राष्ट्रभक्ति की परिभाषा सीखता है।
कैसे हो सकता है भगवा आतंकवाद? हिंदू धर्म कितना कितना विनम्र और कैसा धर्म है, वहां से कविता को उठाता हूं। और तालियां मेरे लिए मत बजाना, इस ध्वज की रक्षा के लिए जिसमें हमने माल्यार्पण किया है, ये दो महापुरुषों की रक्षा के लिए गुरुजी बैठे हुए हैं वहां पे, परम पूज्य गोलवलकर जी और आदरणीय हेडगेवार जी, उनके विचारों की रक्षा के लिए तालियां बजाना। अगर सच कहूं कि एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, एक धर्म कैसे हो सकता है आतंकवादी? एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, एक धर्म जो जगह दे रहा सबको असली नकली को, एक धर्म जो तुलसी पूजे नदियों को त्राता माने, एक धर्म जो नंदी पूजे गायों को माता माने, नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा सांझ को सृष्टि सोती है, पूजा करो भूमि की इससे बढ़िया वृष्टि होती। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, नहीं हिलाना वृक्ष की, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कम है तालियां, कम मेरे लिए मत बजाना, इस धर्म की रक्षा के लिए बजाना, वरना कभी भी कोई भी बदतमीज तुम्हें आतंकवादी कहेगा। तब कहता हूं कि एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, एक धर्म जो जगह दे रहा सबको असली नकली को, एक धर्म जो तुलसी पूजे नदियों को त्राता माने, एक धर्म जो नंदी पूजे गायों को माता माने, नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा सांझ को सृष्टि सोती है, पूजा करो भूमि की इससे बढ़िया वृष्टि होती है। चींटी को आटा डाले कौवों को ग्रास खिलाते हैं, अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते हैं, अरे श्राद्ध का हिस्सा। ये आतंकवादी होने की निशानी है प्रकाश जी, ये धर्म आतंकवादी हो सकता है? अगर हम भगवा को आतंकवादी, आप कल्पना कर सकते हैं विवेकानंद के हाथ में मशीन गन? आप कल्पना कर सकते हैं शंकराचार्य के हाथ में हैंड ग्रेनेड? कैसे हो सकता है? और इतना पत्थरों की संवेदनाओं को समझने वाला धर्म, और मुखर करना मुझे जितनी तालियां देश में मिलती हैं यहां कम मिल रही है शायद, वरना कविता का स्वर कहीं कमजोर होगा। तब कहता हूं कि तब कुत्ते को अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम है अपना। मुझे मेरे परिवार, मेरे काव्य परिवार के सब तमाम सर्वाधिक प्रेम देने वाले लोग यहां इस समय मंच पे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में अतिरिक्त तो ऊर्जा से भर जाता हूं, मैंने मेरे सबसे बड़े बड़े कौतुक इनके संचालन में किए। तब कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम है अपना, परिवार इतना बढ़ा हुआ, गौ द्विज देव धेनु हितकारी, सृष्टि का कर्ता खड़ा हुआ, हे जीवन का कितना महत्व, पूरा सदन जय जय श्री राम का नारा लगाए अगर मैंने सच कहा, हे जीवन का कितना महत्व, ये हमने सबने देखा है गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा। पूरा सदन जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हे जीवन का कितना महत्व, ये हमने सबने देखा है गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा है। जीवन के महत्व को समझे हम, किसी मूक प्राणी की हत्या करके त्योहार मनाने वाले लोग नहीं है, हम वृक्षों की पूजा करके त्योहार मनाने, हम पत्थरों की संवेदनाओं को समझने वाले लोग हैं। तब गड़गड़ाना अपनी संवेदनाओं के लिए कि जीवन के महत्व को समझे, हे कोई ऐसी फुलवारी, अरे मारी ठोकर पत्थर को उसको भी बना दिया नारी। नाग चंद्रमा धर्म कहीं हिंदू धर्म विज्ञान से बड़ा हो जाए, विज्ञान की जहां सीमाएं समाप्त होती हैं वहां से हिंदू धर्म की सीमाएं शुरू होती हैं, अगर इस महापुरुष ने कहा हो तो इसके लिए तालियां बजाना। तब कहता हूं कि जी तब कहना चाहता हूं कि नाग चंद्रमा और भभूत शिव अपने माथे रखते हैं, अरे तुम जिसको पानी कहते हम चरणामृत कह चकते हैं। बहुत अच्छे होगा तुम्हारे लिए H2O, दो पार्टिकल हाइड्रोजन एक पार्टिकल ऑक्सीजन, हमारे लिए श्री हरि के निकलों से चरणों से निकला हुआ जल है। तब कहता हूँ तुम जिसको पानी कहते हम चरणामृत कह चकते हैं, सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं, आपने पहली वर्ष प्रतिपदा के दिन चढ़ाई होगी, ऐसे हाथ उठा के तालियां बजा के चलाना, कहीं अमेरिका में होंगे भगवान उन्हें लगे कि भक्त कविता सुन रहे हैं। सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं, कहीं दिनकर दिवाकर भास्कर उगे होंगे पृथ्वी के उस तरफ। तब कहता हूं कि सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं मत चूकना पूजा से तालियां देना, सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं और मन में है यह भाव सदा अपनी खातिर जलता है इसका भी कर दो कर जदा। अपनी खातिर जलता है इसका भी कर दो। माटी के गणेश घर छोड़े यार विसर्जित होते हैं, भावनाओं की बड़ी कवयित्री अनामिका बैठी हुई है। तब भावनाओं की एक बात कहता हूं, ये दृश्य देखा हो तो समर्थन करना, कि माटी के गणेश घर छोड़े यार विसर्जित होते हैं, भावुक है यह धर्म
हमारे घर में बच्चे रोते हैं। वाह। अरे त्याग का रंग, जितना आक्रोश आपके अंदर आया हो इस भगवा आतंकवाद को सुन के, हिंदू आतंकवादी सुन के, उस गाली को जो आपको दी गई है उसका जवाब आप किसी चीज से नहीं दे सकते। ऐसी तालियां देना 2 मिनट तक कि उसको लगे कि हाँ मुझे जवाब देने वाले लोग बालोतरा में बैठे हैं। तब कहता हूं अंतिम पंक्ति पूरा सदन संभालना, ताकि इस कविता को देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ूं। जितनी तालियां मिलेगी उतने शहरों में पढ़ूंगा। तब कहता हूं अंतिम पंक्तियां कि अरे त्याग का रंग, आप भी जवाबदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप भी संभालें। पीछे तक हाथ पूरे सदन के उठे हुए देखना चाहता हूं जहां तक आवाज जाती है। सच कह दूं तो अरे त्याग का रंग, अरे त्याग का रंग, अरे त्याग का रंग, अरे त्याग का रंग, एक भी हाथ नीचे न रहे। अरे त्याग का रंग राष्ट्र कलंकी नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवा आतंकी नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवा आतंकी नहीं हो सकता। मैं आदरणीय प्रकाश जी माली, आदरणीय शांतिलाल जी, गणपत जी जैसे लोगों के आमंत्रण पर यहां तक पहुंचा। मैंने आपके दिलों तक वो संदेश भी पहुंचाया जिसके लिए ये बैनर बनाए जाते हैं, सिर्फ हा हू के लिए नहीं होते कवि सम्मेलन, मैंने वहां तक भी पहुंचा दिया। अगर मेरा काव्य पाठ अच्छा लगा हो, विदाई में आशीर्वाद की तालियां दे दीजिए। मैं आपके बीच से विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सदन एक बार मेरे साथ बोल दे, जय जय सियाराम। बहुत अच्छे, एक बार संदीप के लिए जोरदार सचमुच तालियां बजाइए। उसने पूरी ऊर्जा लगाई और कुछ लोगों को समझ में आया कि मंदिर निर्माण का समय हुआ है।